गुड इवनिंग दोस्तों, अभी एक ओशो कुंभ के संबंध में कुछ विचार चल रहे थे। बहुत सारे मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं जिनके पास कोविड की वजह से या आर्थिक समस्याओं की वजह से शुल्क देने की जो है व्यवस्था नहीं है। निश्चित ही मैं उन लोगों में कुछ संभावना भी देखता हूं। ऐसे कई सारे मुझे दिखाए गए मैसेजेस और वॉइस सुनाए गए कि स्वामी जी इस तरीके के लोग हैं। उन्होंने अपनी आईडी भी भेजी है कि हम इस तरीके से स्वामी जी असमर्थ हैं देने में, लेकिन आने की बहुत इच्छा है। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि निश्चित ही व्यर्थ के लोग जो हैं वो प्रवेश ना पाएं, लेकिन जिनकी वास्तविक ज़रूरत है उन तक तो संदेश भी पहुँचना चाहिए और आनंद भी पहुँचना चाहिए। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू करवाया है और कुछ कंस्ट्रक्शंस के लिए आज सुबह बात हुई है। तो वो कंस्ट्रक्शन तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि अभी तक हमारे आश्रम में जो व्यवस्था है उसमें 9 हट्स हैं और ऑलरेडी हमारे पास 15 लोग तो यहाँ आश्रम के सदस्य ही हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर सब लोग हम लोग अपने ढंग से यहाँ रहते हैं जैसे वैसे ही रहें तो सिर्फ 3 हट्स या 4 हट्स ही खाली होती हैं और 3-4 हट्स में फिर जो लोग हैं कितने हम ले लेंगे। अगर एक हट्स में 2-3 ले लेंगे तो 12-15 लोग की यहाँ बुकिंग हो सकती है। अभी तक निश्चित ही बहुत सारे लोग इस तरीके की बात कह रहे हैं कि बड़ा धन कमाने के लिए ये आयोजन हो रहा है। तो उनको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इतनी स्थिति में अगर हम 7-8 लोग यहाँ रुकवाएंगे तो हम कितना धन कमा लेंगे। और आस पड़ोस के जो हमने होटल्स की जो यहाँ लिस्ट दी है जो ऑलरेडी आस पड़ोस में यहाँ हैं निकट में जिनमें लोग सस्ते मध्य रुक सकते हैं, आश्रम थोड़ा निश्चित ही महंगा रखा है इस वजह से, तो सस्ते मध्य जो लोग रुक सकते हैं तो वो भी वहाँ रुकेंगे। तो यहाँ और भी खर्चे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे और खर्चे हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में किस तरीके से व्यवस्था होगी इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज एक विचार आया जिससे हम यहाँ ज़्यादा लोगों को रोक सकते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो संपन्न नहीं हैं और पैसे नहीं दे सकते, उनका भी यहाँ स्वागत हो सकता है। तो उसके तहत यहाँ एक बड़ा हॉल ऐसे बनवाने का विचार आया है जो कि ज़रूरत पड़ने पर मेडिटेशन हॉल और डॉर्मेट्री का भी काम कर सकता है। तो उसमें हम कुछ इस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं कि कम से कम 20 लोग निशुल्क रह सकें और आश्रम के भी बच्चे उसमें रह सकें, तो लगभग 30 लोग उस डॉर्मेट्री में रह सकें, ऐसा एक विचार है। तो उससे यहाँ पे रूम भी थोड़े खाली हो जाते हैं। कुछ टेंट्स यहाँ लगवाने का है जिसमें लगभग 5 टेंट हैं तो 10 लोग उसमें रुक सकते हैं। तो एटलीस्ट फिर आश्रम में हम 50-60 लोग के रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए जो अभी इंतज़ामों की ज़रूरत है वो इंतज़ाम है कि 5 लेटरिन्स, 2 बाथरूम, उसके अलावा जो पूरा कंस्ट्रक्शन है जिसकी आज हमें कास्ट बता के गए हैं वो कि लगभग ये समझ लीजिए कि सब अगर ये मिला लें तो लगभग 13 लाख रुपए का खर्चा है। तो 13 लाख रुपए का ये खर्चा होना है। उसके अलावा इसमें अभी लाइटिंग एटिंग जो होगी वो अलग थोड़ी है और सारी चीज़ों को देखें अगर तो 30 लोगों की व्यवस्था के लिए 30 बेड चाहिए क्योंकि यहाँ सर्दी इतनी होती है। अभी आप देख रहे हैं मैं जैकेट पहने हुए हूँ, अंदर भी गर्म है। तो यहाँ सर्दी ऐसी होती है कि 30 ज़मीन पे नहीं लेटा ले जा सकते, तो उनके लिए 30 बेड चाहिए, तो 30 फोल्डिंग बेड और उसके अलावा 30 गद्दे उस पर चाहिए। फिर 30 लोगों के लिए कम से कम 60 चादरें चाहिए, 30 लोगों के लिए 30 रजाइयाँ चाहिए। और मेरा एक स्वभाव है मैं 400 रुपये वाली रजाई पसंद नहीं करता क्योंकि वो यहाँ सहयोगी भी नहीं होती। तो अभी हम लोग जो बच्चे यहाँ यूज़ करते हैं रजाइयाँ वो लगभग 2,000-2,500 रुपये की रजाई है, तो लगभग 30 रजाइयाँ चाहिए। और कंस्ट्रक्शन में जो लागत आ रही हो तो चाहिए चाहिए। साथ साथ अगर हम यहाँ 20 लोगों को निःशुल्क लेते हैं तो उन लोगों के उस समय खाने का खर्चा लगभग प्रतिदिन का 5,000 रुपये जो खर्चा है, खाना पीना चाय नाश्ता वो भी लगभग होता है, लाइट आइट के खर्चे हैं वो भी होते हैं।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ओशो कुंभ में भी कुछ ना करते हुए कितना बड़ा खर्चा होने जा रहा है। अगर ये मेरा बिजनेस होता तो, या मेरा अलग से कोई बिजनेस होता तो शायद एक अलग ढंग से बात होती, लेकिन मैं अपनी सामर्थ्य जितनी है उतना कर रहा हूँ। बाकी आप सब लोगों को संदेश ये दे रहा हूँ कि जो मित्र सहयोगी हैं, जिनको लगता है ओशो कुंभ निश्चित ही एक सही प्रयास है, सही दिशा में प्रयास है, और इसके लिए मदद की जानी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ डॉर्मेट्री हुए सब बनता है तो आगे भी काम आएगा। ये आश्रम मैं लगभग प्रतिदिन 20 लोगों के लिए फिर निःशुल्क ओपन कर दूंगा कि हमेशा ही यहाँ 20 लोग निःशुल्क आ सकें जिनकी ज़रूरतें हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था है। तो आप देखिए, अपनी जेब खखाड़िए, अपने बैंक अकाउंट्स देखिए, हमसे संपर्क कीजिए। कुछ लोग होंगे जिनको लगता होगा ये बहुत अच्छा चोखा धंधा है, वो लोग तुरंत अपने कागज़ कलम उठाएँ, एक लेख लिखना शुरू करें मेरे विरोध में और डालें। उनकी बहुत आवश्यकता है क्योंकि वो बहुत प्रचार करते हैं। मैं सदा से उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी बुराइयाँ की, जिसको एक शेर के रूप में कहता हूँ कि तू मुझ पे कंकड़ मारता गया और मैं पानी की तरह और ऊंचा बढ़ता गया। तो ये तो मेरी ज़िंदगी की खुशनसीबी है कि मैं सदा ही ऐसे लोगों के कारण आगे बढ़ा हूँ। विरोधों से निखरती है शख्सियत मेरी, मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं दोस्तों को भी सलाम करता हूँ कि जो लोग इस आश्रम के लिए, इस व्यवस्था के लिए हेल्प करना चाहें वो अपने तरीके से नंबर ले सकते हैं, अकाउंट नंबर ले सकते हैं। कुछ लोग अगर कैश करना चाहें, आज की स्थितियों में बहुत अच्छी बात है, तो वो अपने तरीके से कैश का इंतजाम कर सकते हैं, जैसा भी जो करना चाहें। कुछ लोग जो हैं आश्रम के लिए अगर प्री बुकिंग कराएंगे तो वो भी एक सपोर्ट हो जाएगा, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी जो भी बातें हैं मैंने आप लोगों के बीच बिल्कुल स्पष्ट कहीं, जैसा मेरा हमेशा से स्वभाव है। मुझे जो चाहिए वो मैं बोल देता हूँ, मुझे जो देना है वो मैं दे देता हूँ। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने कहीं, अब देखते हैं परमात्मा किस दिशा में जो है इसको लेके जाता है, लोगों को ये किस दृष्टिकोण से नज़र आता है। लेकिन बस अभी अंदर बैठा था, ये विचार आया कि ये संदेश आप तक देना चाहिए। तो इन खर्चों का अपना अपना औसत लगा लें, जिसको लगता है कि रजाइयाँ दे सकता है वो रजाइयाँ दे, जिसको दे सकता है बेड दे सकता है वो बेड खरीदवाए, जिसको लगता है कि वो यहाँ के लिए कंस्ट्रक्शन में कुछ दे सकता है सहयोग वो दे, लैट्रिन बाथरूम बनवाने के लिए किसी का प्री फैब्रिकेशन का काम हो तो वो करे, किसी को लगता है सरिया सीमेंट टाइल्स का लगवाना ये सब काम कर सकता है वो करे, कोई म्यूजिक सिस्टम देना चाहता हो म्यूजिक सिस्टम दे। अब तो भाई हमने कटोरा अपना फैला दिया, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि कटोरा मेरा फैल गया, जिसको जो डालना है डाल दे। एक बात अंत में वो सब विनम्र निवेदन के साथ सुन लें कि चाहे आप कितनी मदद करें, चाहे आप मुझे 1 करोड़ रुपए भी दे दें, कोई खुश होके थैंक यू किसी को नहीं बोलूँगा। थैंक यू।